पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सदग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई, ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, मृत्यु होगी, पुनः आपको ये प्राप्त नहीं हो पाओगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का। और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ, मानव शरीर का उद्देश्य क्या है इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से, चाहे असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है। और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्य मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे। और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, यह हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सतगुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे। डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक पूर्ण परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी।